24 और मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो चुका है दिन भर के 20 बड़ी खबरों का। और बड़ी खबरों में पहले नंबर पर है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने इसराइल के साथ किसी भी प्रकार के संबंध स्थापित करने से इनकार कर दिया है। ये बात उन्होंने तुर्की रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए कही। आपको बता दें कि पिछले दिनों गोपनीय तरीके से इसराइल का एक विमान पाकिस्तान आया था, जो कुछ समय एयरपोर्ट पर रहने के बाद वापस लौट गया था, जिसके बाद ऐसी कयास लगाई जा रही है कि इसराइल का पाकिस्तान के साथ संबंध बनाने की कोशिश हो रही है। और बड़ी खबरों में दूसरे नंबर पर है, इंडोनेशिया के सुरबाया शहर को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए एक अनूठी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप प्लास्टिक की बोतलें देकर बस में यात्रा कर सकते हैं, ऑटो का किराया दे सकते हैं, इसके अलावा और भी कई चीजों का प्राइस चुकाने के लिए आप पैसे के बदले प्लास्टिक की बोतल देकर सर्विस ले सकते हैं। आपको बता दें कि इंडोनेशिया समुद्री प्रदूषण फैलाने वाले देशों में दूसरे नंबर पर है, जबकि चीन पहले नंबर पर है। और बड़ी खबरों में तीसरे नंबर पर है, 13वें भारत जापान सालाना शिखर सम्मेलन के लिए जापान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी पीएम शिंजो आबे ने ट्रेन में सफर किया और रोबोट बनाने वाली कारखानों में जाकर रोबोटिक तकनीकी को करीब से समझा है। और बड़ी खबरों में चौथे नंबर पर है, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि सीबीआई डायरेक्टर राफेल डील मामले की जांच करने जा रहे थे, लेकिन देश के चौकीदार ने डर से उसे पहले ही हटा दिया। और बड़ी खबरों में पांचवें नंबर पर है, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विध्वंस विवाद मामले की सुनवाई जनवरी तक के लिए टाल दिया है और अब खबर है कि इस केस की सुनवाई नई बेंच करेगी, जिसका गठन जल्द ही किया जा सकता है। और बड़ी खबरों में छठे नंबर पर है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी द्वारा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करने की आलोचना करते हुए कहा कि हिंदू के वेश में राहुल गांधी बहरूपिया है, जो हिंदुओं के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार रावण ने भेष बदल कर सीता का हरण किया था, उसी प्रकार राहुल गांधी भी भेष बदल कर हिंदुओं का हरण करना चाहते हैं। और बड़ी खबरों में सातवें नंबर पर है, मध्य प्रदेश आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नेहा वग्गा बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिससे आम आदमी पार्टी को गहरा झटका लगा है। और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद वग्गा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के पास ना तो कोई विजन था और ना ही कोई मिशन, लेकिन बीजेपी के पास ये दोनों ही चीजें हैं। और बड़ी खबरों में आठवें नंबर पर है, कौन बनेगा करोड़पति टीवी शो के मंगलवार के एपिसोड में हिमाचल प्रदेश के पुलिस के जवान संजीव कुमार बॉलीवुड जगत की मशहूर शख्सियत और शो के होस्ट अमिताभ बच्चन के सामने वाली हॉट सीट पर नजर आएंगे। और बड़ी खबरों में नौवें नंबर पर है, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी ने पीएम मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि शायद ही दुनिया में इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री कोई और होगा। और बड़ी खबरों में दसवें नंबर पर है, पंजाब के बठिंडा की आदर्श वेलफेयर सोसाइटी ने ऐलान किया है कि जो व्यक्ति उल्लुओं की चोरी या चोरों के बारे में जानकारी देगा, उसे संस्था द्वारा 11,000 रुपए नगद इनाम दिए जाएंगे। आपको बता दें कि बठिंडा के डियर सफारी यानी कि चिड़ियाघर से दुर्लभ प्रजाति के उल्लुओं की चोरी हो गई है और दीपावली के मौके पर इस तरह की घटनाएं हर साल होती है, फिर भी प्रशासन इस पर रोक लगाने में नाकाम रहती आई है। और बड़ी खबरों में 11वें नंबर पर है, राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा का चुनावी अभियान देखकर कांग्रेस इतनी घबरा चुकी है कि उनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार राहुल गांधी को विधानसभा की सभाएं करनी पड़ रही है, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं है कि झालावाड़ वारा सहित प्रदेश के जन जन के साथ मेरा अटूट संबंध है और यहां की जनता राहुल के झांसे में नहीं आने वाली। और बड़ी खबरों में 12वें नंबर पर है, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाले राजग बिहार में एकजुट रहे। उन्होंने विश्वास जताया कि लोजपा को राज्य में सम्मानजनक सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका जरूर दिया जाएगा।
और बड़ी खबरों में 13वें नंबर पर है, झारखंड के सीएम रघुवर दास ने एक कार्यक्रम में कहा कि झारखंड जैसे समृद्ध राज्य में गरीबी सबसे बड़ी समस्या है और इसको लेकर सरकार कई योजनाएं चला रही है, लेकिन पूरा बदलाव सामाजिक सहयोग के बिना संभव नहीं है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि गरीबी को खत्म करना उनके सरकार की प्राथमिकता है। और बड़ी खबरों में 14वें नंबर पर है, पश्चिम बंगाल भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अधिवक्ता सह राज्य कमेटी सदस्य नाजिया इल्मी ने सीएम ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए कहा कि वे मुसलमानों का हित नहीं बल्कि अपने लिए लक्ष्मी की चाहत रखती हैं तथा मुसलमानों को बेवकूफ बनाती रही हैं। और बड़ी खबरों में 15वें नंबर पर है, एशियाई विकास बैंक ADB सैटेलाइट आधारित स्मार्ट मीटर परियोजना का विस्तार करने का विचार कर रही है और इस बारे में बैंक का कहना है कि इससे ग्राहकों को अधिक फायदा होगा जिससे ज्यादा से ज्यादा ग्राहक बैंक से जुड़ेंगे। आपको बता दें कि एशियाई विकास बैंक की योजना फिलहाल उत्तर प्रदेश में शुरू कर दी गई है। और बड़ी खबरों में 16वें नंबर पर है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा पहले साल कराए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष चिकित्सीय लापरवाही के कारण करीब 50 लाख लोगों की जान चली जाती है। और बड़ी खबरों में 17वें नंबर पर उन लोगों के लिए अच्छी खबर जो सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं, वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड 328 तकनीशियन टीचर इंजीनियर की भर्ती कर रहा है। आवेदक का विभिन्न पदों के लिए डिप्लोमा के साथ ग्रेजुएट होना जरूरी है और योग्य उम्मीदवार 16 नवंबर तक ऑफिशियल वेबसाइट www.wbpdcl.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और बड़ी खबरों में 18वें नंबर पर है, पाकिस्तान ने तीसरे T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर सीरीज जीत ली है। अब ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला भारत से 21 नवंबर को होने वाला है। और बड़ी खबरों में 19वें नंबर पर है, खबर है कि संजय दत्त एक बार फिर से गैंगस्टर की भूमिका में नजर आ सकते हैं और इस बार वह मुंबई के भाई करीम लाला के किरदार में दिखेंगे जिसने अपने समय में दाऊद इब्राहिम को दौरा दौरा कर पीटा था। और बड़ी खबरों में 20वें नंबर पर है, फिल्म निर्माता विशाल भारद्वाज ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वर्तमान में सुपरस्टार लीक से हटकर फिल्में करने का जोखिम उठा रहे हैं, लेकिन केवल आमिर खान ही ऐसे साहसी अभिनेता हैं जो कहानी की गुणवत्ता पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ये थी आज दिन भर की 20 बड़ी खबरें और ऐसे ही खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।